कृष्ण बलराम मंदिर बोनेकल में स्वागत है और धन्यवाद है। इससे पहले कुछ हम बोलें, जैसा कि आपको पता है कि हमारे गुरु भाई हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ भी आते थे, वो चले गए दुनिया से। देखो, कोई अगर जाता है उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या कल को हमें भी जाना है? कोई आप में ऐसा है कि जो ये सोचता कि मैं नहीं जाऊंगा? हाथ खड़ा करो। एक ने ऐसा किया, हमने सोचा हाथ खड़ा कर दिया, ऐसा किया। हम सबको जाना है और जाना उसी का अच्छा है जो भगवान की सेवा करते करते जाता है। तो गोपाल कृष्ण महाराज का जो मटेरियल करियर था, उन्होंने एक एमबीए किया था फ्रांस से, जिनके इन्फ्लुएंस में आप सब हो। एक एमबीए उन्होंने फ्रांस में किया, फिर वो कनाडा चले गए, एक एमबीए वहाँ किया, डबल एमबीए थे। और पेप्सी कोला कंपनी में वो जनरल मैनेजर थे और खूब पैसे मिलते थे, लेकिन भक्ति करने के लिए सब छोड़ दिया उन्होंने, सारी डिग्रियाँ छोड़ दी और प्रभुपाद जी के साथ जुड़ गए। और बहुत काम किया, बड़े मेहनत करने वाले थे, खास करके उन्होंने बीबीटी को ऊपर उठाया। बीबीटी के ट्रस्टी थे वो, इंडियन बीबीटी। करोड़ों पुस्तकें छपी हैं, लोगों तक पहुंची हैं। तो ऐसा कहा कि आए हैं तो जाएंगे, बोलो आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग का फकीर, जो आया दुनिया से उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जाने जाने में फर्क है। कहा कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो मोह माया में फंसे हुए हैं उनको भी जाना पड़ेगा, जो सब कुछ त्याग करके भक्ति कर रहे हैं उनको भी जाना पड़ेगा, लेकिन जो सब कुछ छोड़ करके कृष्ण भक्ति में लगे हैं उनका जाना अच्छा बताया। जाना है, यहाँ किसी ने नहीं रहना, कोई रहना भी चाहे रह नहीं सकता, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति में लगा है परमार्थ, दो बातें, स्वार्थ और परमार्थ। जो अपने भौतिक सुखों के पीछे पड़ा है वो स्वार्थी है, और जो भगवान के सुख के पीछे पड़ा है, भगवान के नाम का प्रचार करता है, वो परमार्थी है। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है, आज हमारा जीवन पशु जैसा जीवन हो रहा है, जैसे पशु सारे दिन ढूंढ रहा है कुछ खाने के लिए। हम भी इंद्रियों के तर्पण के लिए सारे दिन लगे हुए हैं, पर इंद्रियों के तर्पण, जैसे भागवत का वो श्लोक है, ऋषभ भगवान 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। ऋषभ भगवान कहते हैं, नायम देख देख भाजन नरलोके, कष्टा न काम हरते बिड़ बुझा मुझे। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये स्वाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये ऋषभ भगवान के शब्द हैं, ऋषभ अवतार थे, उनका वर्णन भागवत में है। कहते भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, कब कहा? अभी भगवान रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने राज सौंपा अपने बड़े बेटे भरत को, 100 पुत्र थे उनके। अभी एक हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर हुई, उसने कहा बच्चे 2 या 3 होने चाहिए, कम करना था बड़े तरीके से हिंदुओं को। फिर उसने कहा हम 2 और हमारे 2, अभी 1 पर आ गए हैं। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे, 100। ये जो संख्या घटाना है ऐसे करना,
ये सब नरक का द्वार है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो सनातन से, हिंदू धर्म से ईर्ष्या करते हैं और उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ऋषभ भगवान कहते हैं, हे पुत्रो, इस संसार के समस्त देहदानियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, सब शरीर धारण करने वाले जो हैं उनमें जिनको मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। हम इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर शुकुर भी कर लेते हैं। जो पशु गंदगी खाते हैं, कुत्ता और सुअर दोनों गंदगी खाते हैं। यहाँ तो मुझे सुअर नहीं दिखे, इंडिया में सुअर बहुत घूमते हैं, गंदगी खाते हैं, गंद खाते हैं। तो ये तो सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध कर ऋषभ भगवान कहते हैं, जिसे ये शरीर मिला है उसे कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर सुकुर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करना है, वह अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या, जैसे प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया, सुबह 4 बजे से पहले उठना, नहाना धोना, अच्छा नहीं लगता। जैसे एक आत्मा हमारे पास आई, अच्छी आत्मा है वो, लेकिन कभी कभी उसको उठने का मन नहीं होता। वो आत्मा कहती है, कभी तुम्हारा जब कह दिया करो कि आज तुम भी आराम करो, सो जाओ, आज नहीं उठना। मैंने कहा ये नहीं मैं कह सकता, आराम के बारे में कबीर जी ने कहा है, आराम है सोना, सबको अच्छा लगता है। कबीर जी कहते हैं, मेरे पीछे सारे बोलो, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। तू सो करके क्या करता है, जा करके मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर। मुरार कौन है, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, वो कृष्ण भगवान है। उनका उनका नाम तुम लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम। जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सो बना लंबे पांव पसार। बोलो, तू अभी सोना बड़ा पसंद करता है, एक दिन तू ऐसा सोएगा फिर उठेगा ही नहीं, लंबे पांव पसार। हमें अपना समय कृष्ण भजन में बिताना है। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने अपना सारा करियर लगा दिया भगवान की सेवा में और सारे जीवन यही काम किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा किया, बहुत बुक्स छापी जो प्रभुपाद की बहुत अच्छा थी। हमारे दादा गुरु भी यही चाहते थे प्रचार, भक्ति विनोद ठाकुर भी यही चाहते थे प्रचार, और प्रभुपाद जी ने उनको पालन किया, बड़ा प्रचार किया, पुस्तकें लिखी। और प्रभुपाद जी की बुक्स ऐसी हैं जो कोई ध्यान से पढ़ता है उसी का जीवन बदल जाता है, वो भक्त बन जाता है। तो भगवान कृपा करें सभी पर, सभी को अपनी भक्ति दें। हमें खुद भी भक्ति चाहिए और सबके लिए प्रार्थना करनी। याद रखो, भेदभाव नहीं करना, हम सभी एक पिता की संतान हैं। कर्मों से कोई अमीर बना, कोई गरीब बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई लाल बना, कोई भूरा बना, एक कर्मों से। लेकिन हमें हर हालत में भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। दो बातों को याद रखना है, ये भगवान ने भी कहा है और
इनको प्रभुपाद कहते थे भक्तों ने, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को अगर हम दोहराते हैं तो हम सीखते हैं। दो बातें क्या याद रखनी है, दो बातन को भूल मत, दो बातों को कभी नहीं भूलना, जो चाहत कल्याण। अगर हम अपना भला चाहते हैं तो दो बातों को कभी नहीं भूलना, कौन कौन सी, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत मृत्यु और भगवान को कभी नहीं भूलना। और भगवान ने 13 चैप्टर के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष इनके दर्शन करो। भगवान कह रहे हैं इनके दर्शन करने के लिए, क्यों, ये सबके लिए आने। लेकिन जब दुनिया में आते हैं हम तो इतना ये माया का जगत है, हम भूल जाते हैं कि मैं किस लिए यहाँ आया था, क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है, बोलो। जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। हम भगवान का नाम ना लेकर के, देखो जो भगवान से संबंधित नहीं है वो सब बेकार है, वो पाप कर्म है। वैसे तो देखो अब इस दुनिया में हमें कुछ नहीं करना, क्यों, हम यहाँ के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम यहाँ के हैं, पर कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते, पर क्या करना है, वो भगवान बता रहे हैं गीता में। भगवान कहते हैं, यत करोषि यद अश्नाशी यद जहोषि ददासी यद यत तपस्यासी कौंतेया तत्कुरुषम अधर्मणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर, भगवान कह रहे हैं। तू इस बात को अंदर बैठाओ, बड़ा कठिन लगता है, मन मलिन है, भटक रहा है। कृष्ण भगवान के लिए हमने सब कुछ करना सीखना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। हरे कृष्णा, बोलते रहना आपने, कृष्णा सब जोर से और प्रेम से बोलो, अभी आपकी बारी है बोलने की। हरे प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क में देखा लोग वहाँ पर 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं, जितने घंटे काम करेंगे उतने उनको डॉलर मिलेंगे। पहले थे मेरे जब मैं था तब $8 घंटे के मिलते थे, अभी तो शायद बढ़ गए हैं। तो डॉलर इकट्ठे कर लिए, क्या करना, एंजॉय करना है, जाना है, इधर उधर जाना है, और वो सब डॉलर ख़त्म। अभी आदमी को जब संसार से जाना पड़ता है तो क्या साथ में जाता है, कोई जाता है, कोई भूल नहीं रहा है,
एक हमारा आदमी बोल रहा, बाकी मॉरिशस वाले कहते हैं जाता है, कोई नहीं बोल रहा है, कहते थे कहते थे करता बोलता नहीं। हो सकता है मॉरिशस में जाता हो, अगर लगता है जाता है तो वो भी मन का भ्रम है। देखो मनुष्य अज्ञानता में कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज़ रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी शमशान की अमानत है। जब ये साथ नहीं देगा और क्या साथ देगा, देगा और कुछ साथ, कुछ साथ ही तो साथ देने वाले कृष्ण बलराम है, भगवान है। इसलिए प्रभुपाद का संदेश यह है, सब भगवान की शरण में आओ, भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपो। हरिपाल की पत्नी है यहाँ पर, कौन से भजन के लिए कहा था तूने, तेरे भजन का क्या शब्द, क्या इसकी चक भजन सुनने की, ये प्रसाद बहुत बढ़िया बनाती है तो कहती है भजन भी मेरे को बढ़िया सुनाया करो। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, इस भजन में बड़ी शिक्षा है। हम सबको कह रहे हैं लेखक, भगवान की भक्ति कर और खजाना नाम से भर ले। हमने खजाना भरा हुआ है मॉरिशियन करेंसी से, है ना, रुपये से, कहते नाम का खजाना। जितना नाम जपोगे सभी आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। तो क्यों खजाना नाम से भरना है, आगे फिर शिक्षा है इसमें। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, शिक्षा रही है। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को, तेरी मौत चुन ले। है जब तक श्वास तब तक तू चाहे तो कुछ कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भजन में शिक्षा भी बड़ी है। शब्दों की ओर ध्यान दो, पहले बताया क्यों भक्ति करनी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, फिर निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, जब हवा निकल जाएगी ना शरीर की कोई कीमत नहीं, अभी सांस चल रहा है तो कीमत है इसकी। दम का मतलब श्वास, निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इसको
अभी समितियाँ पहुँचाना। समितियाँ है करियोल में क्या बोलते हैं? खाना खुना कोई कुछ नहीं पूछेगा, चलो पहले उधर ले जाना। अच्छा सुनो, इसलिए तुमने क्या करना है? भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, बड़ी सुंदर शिक्षा है। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझे खिलाते थे, कोई सोडा की बोतल कोई दूध लाते थे, कोई कोका कोई लिमका कोई काफी पिलाते थे, अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी ना तुझको खिलाएंगे, काम सब छोड़कर पहले तुम्हें समितियां पहुंचाएंगे। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण खजाना नाम से भर ले। देखो ऐसी बातें हमारे ध्यान में नहीं आते हैं, दुनिया में हम इतने खोए हुए हैं, इस सच्चाई को भूले हुए हैं, जबकि सबके साथ ऐसा घटना घटेगा। जब हम गोपाल कृष्ण महाराज के फ्यूनरल में गए थे, उसके दूसरे दिन घाप बोलने के लिए उन्होंने बोला महाराज चले गए तो सब ने जाना, यह दुनिया में किसी ने नहीं रहना, लेकिन जाने का किसी को ध्यान नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों की। अगर हमारा ध्यान हो जाए तो हम बुरे कर्मों को छोड़ना शुरू कर देंगे। एक दिन शरीर छोड़ना है, पर शरीर छोड़ने से पहले हमें बुरे कर्म बुराइयों को छोड़ना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्षा दंभ कपट, ये चीजें छोड़नी है। अब ध्यान ही नहीं हमारा, हम इतने खो गए हैं दुनिया में। याद रखो ये खोयापन हमने समाप्त करना है। और ये अब ये घटना जो बता रहे हैं लेखक लिख रहे हैं इसमें, पर कहते हैं कि भाई जाना है, इसलिए तू भक्ति कर भगवान की। भक्ति भगवान की कर, खजाना नाम से भर ले, हे प्राणी तू जिस बात को भूला हुआ है, तुमको जब स्मृतियां में ले जाएंगे, स्मृतियां क्रियोल में कहते हैं शमशान घाट को, जिनको क्रियोल नहीं आती वहां क्या करेंगे, वहां जाकर करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाए तो भक्ति का रास्ता चुन लो, वहां ले जाकर के अर्थी को चिता पर रख दी जाएगी, भला यह देख कर हाल
तरस किसको न आएगी। मगर कर क्या कोई सकता, अब नहीं कोई चारा है। भजन श्री कृष्ण के बिन अब नहीं कोई सहारा है। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खड़े सब मित्रगण साथी सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहु बेटी सब रोते जा रहे हैं। जब कोई चला जाता है तो रोते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आती। समझ कैसे आएगी? जो प्रभुपाद जी ने भक्ति दी है ना सारी दुनिया को, ये हम करेंगे ना, धीरे धीरे आएगी सही भक्ति। भक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं बोल दूं, भक्ति का अर्थ है निष्काम सेवा। भक्ति की बदले में कोई ढूंढा, वो सकाम हो गई, निष्काम नहीं हुई। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरम कवितम वा जगदीश कामे, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, कविता मुझे बड़ा कवि नहीं बनना, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर? मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की दोये। ये कह रहे हैं भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। एक हमारे चारे कहते हैं, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। बोलो, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। तो ये भगवान तो बड़ी कृपा करके आते हैं हमको ले जाने के लिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने नहीं जाना। अभी जैसे बच्चा ब्लेड से खेलता है, ब्लेड माँ कहती मत खेल, खेलूँगा, माँ छुड़ाती है फिर ले लेता है, अब उंगली कट जाती है, उंगली जब कटती है तभी रोता है, माँ कहती है खेल खेल दिया अभी नहीं खेलूँगा, उंगली कट गई अभी क्या खेले। तो हम समझते नहीं हैं, क्योंकि जैसे बच्चे में बचपना है ना, हमें अविद्या है, अज्ञानता है। भक्ति को अपनाओ आप सारे और इस अविद्या को दूर करो। मैंने यही कहा था वहाँ गोपाल कृष्ण महाराज के वो उसमें आखिरी समय में बोला था, भाई महाराज चले गए हम सब ने जाना है, जाने वाला तो चला जाता है, चला जाते हैं, बोला ये चला गया पर मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? हम ऐसे ढंग से व्यवहार करते हैं, हम नहीं जाएंगे। पर ये दुनिया ये मृत्यु लोक है, जहाँ कोई नहीं रह सकता, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। कहाँ है? ना कोई रहा है कोई रहेगा, ना कोई रहा है ना कोई, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। कोई बड़े बड़े लोग आए सब चले गए, रावण आया, जरासंध आया, शिशुपाल आ गया, दंत मकर, कंस, बड़े पापी थे लोग, कहाँ आए जैसे सब खत्म हो गए। तो इस दुनिया में हम नहीं रह सकते, ना रहने का। खाली ये है, प्रहलाद महाराज की एक बड़ा सुंदर शिक्षा है भागवत में। प्रहलाद महाराज अपने जो उनके साथी थे
प्रहलाद महाराज का बाप राक्षस था, हिरण्यकशिपु, उनके साथी भी राक्षसों के बच्चे थे। प्रहलाद महाराज के दो टीचर थे, शंड और अमरक, वो शुक्राचार्य के पुत्र थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु, राक्षसों के भी गुरु होते हैं, तो वो पढ़ाते थे उनको, बेकार की शिक्षा देते। लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई इंटरेस्ट नहीं था। किसी ने प्रहलाद महाराज के बारे में लिखा है, मोरी पटिया पे लिख दो वो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मोरी मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे और मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम। बोलो भक्त प्रबर प्रहलाद महाराज की जय। जब टीचर बाहर जाते थे, प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते थे, प्रहलाद महाराज कीर्तन करवाते थे। तो उनके साथी कहते थे, प्रहलाद ये हम करेंगे भक्ति जब बड़े हो जाएंगे, अभी हम बच्चे हैं, अभी हमें पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते नहीं, कि जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, 84 लाख यूनियन हैं, सभी शरीर नश्वर हैं, ये शरीर भी नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है। ये अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा हम सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं, इसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं, इसके द्वारा हम गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। है नश्वर पर है बड़ा यूजफुल शरीर, अर्थपूर्ण है। इसलिए तुम्हें 5 साल की अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। तो हमें भक्ति लेट शुरू की, चलो बेटर लेट देन नेवर, नहीं से देर भरी, जब मौका मिले भक्ति शुरू कर दो। और एक काम ये करो, जो मिले उसको भी भक्ति के बारे में बताओ कुछ। तुम कहो वो सुनता नहीं, वो नहीं सुने, तुम बोल दो, तुम बोल दो। अभी जैसे देखो जटायु, जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया, बेचारे नहीं बचा सके, रावण ने पर काट दिया उनका, गिर गए। उधर से राम भगवान ढूंढते ढूंढते सीता जी भी वहाँ पहुँचे, राम राम कर रहे, सारी बात बताई, इधर लेके गया है इस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर गया है रावण सीता को लेकर। तो भगवान कहते हैं जटायु को, हम तुम्हें स्वस्थ कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। जटायु कहते हैं, प्रभु नहीं, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। करोड़ों जन्मों तक ऋषि मुनि प्रयास करते हैं, अंत में भगवान का नाम जीभ पर नहीं आता। मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपकी गोद में हूँ, आपके दर्शन, आपका नाम ले रहा हूँ, प्रभु इससे अच्छा समय और क्या होगा। मैं नहीं, ठीक नहीं होना, मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान जटायु के लिए रोए, उन्होंने आंसुओं से उनको स्नान कराया, स्वयं अग्नि दा दिया, आग दी, त्रिलोकीनाथ भगवान राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो राम भक्त जटायु जी महाराज की। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कमेंट्स, जटायु सफल नहीं हुए सीता जी को बचाने में, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, भगवान ने वो अप्रिशिएट किया। भगवान जो है ना, प्रयास देखते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। गीता में भी कहा भगवान ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है कि मुझे सफलता मिले, नहीं, तुम कर्म करो,
और फल मेरे पर छोड़ दो। तो हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कोई मैंने उसको बोलवा नाम लो नहीं लेता है, उसका दुर्भाग्य है, पर भगवान इस बात की सराहना करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इसने प्रयास किया। और भगवान ने गीता में भी ये कहा है, जो प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए सभी को प्रचारक बनना चाहिए और कोई मुश्किल नहीं है। एक बात शायद मैंने तो सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ। आज मैं बम्बई में था प्रभुपाद जी के साथ, उनका पर्सनल सर्वेंट, किसी काम के लिए मैं बम्बई गया हुआ था, टैक्सी में बैठा हुआ था। तो प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने टैक्सी वाले को बोला, मैंने कहा बोल हरे कृष्णा, बोल हरे कृष्णा, वो नहीं बोल रहा। मैं भी थोड़ा ज़िद्दी हूँ, मैंने कहा बोल हरे कृष्णा, मैंने कहा मैं भी तेरा गुरु हूँ, बुला के छोड़ूंगा तेरे को। बार बार बोल रहा, मैं उसका कस्टमर हूँ, उस ड्राइवर चला रहा है। आगे जब उसने देखा है तो पीछे ही पड़ गया मेरे, कहता मैं क्यों हरे कृष्णा बोलूँ, मैं मुसलमान हूँ। फिर मैंने प्रभुपाद को सुनाया, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज प्रीचिंग। प्रभुपाद बहुत खुश हुए। किसी ने नाम बुला दो, नाम जो है ये काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खड़े सब मित्रगण साथी, सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहु बेटी सब रोते जा रहे हैं। जब कोई चला जाता है दुनिया रोती है, लेकिन ये नहीं समझते भाई हमको भी जाना है। जाने वाला तो चला गया, रहने वाले नहीं सोचते। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है। बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है। घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। जीते जी बेचारे को घी कभी निकल आया होगा, अभी मर गया है, उसके मुंह में घी डाल दिया। यार डालते हैं नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, मैं थोड़ा सा ज्यादा ऐसे खूब, बहुत घी है ना तुम्हारे पास इधर। तो वो कहते हैं भाई दुनिया जी, अभी पहले कभी घी का शक्ल नहीं देखी होगी, मर गया तो उसको घी पिला रहे हैं अभी। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इतर सुगंधी में काटते थे, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते, उस तन पर वही लोग आज आग लगाते। इसलिए क्या करना है, ये शरीर का अंत है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। रहे देखते ही सब लोग
मैं जलता चला गया, अग्नि में मैं जलकर राख बनकर जलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया, सबके साथ सदा के लिए नाता तोड़ कर गया, जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज निकालो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि वाह हरि वाह। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि वाह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोला, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समाप्त करें इसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रवचन बंद करें, आपके इच्छा से और कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
सवेरे 5 बजे तक 4:45 तक। अच्छा तब ना सिंगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे मैं पानी पी लेता हूँ बोल मैंने बोला तेरे गाने के लिए बोला बोल हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा अभी थोड़ा और कीर्तन करते हैं। भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंद
सीता भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोल हरि बोल हरि 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 बो केशव माधव गोविंद बो बोल हरि 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 बो केशव माधव गोविंद बो नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में वारी ना लगना कुछ तेरा मोह ना लग केशव माधव गोविंद मोह केशव
माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल नित्याय गौरंगा नित्याय गौरंगा नित्याय गौरंगा नित्याय गौरंगा जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्याय गौर हरि वो हरि वो हरि वो हरि वो नित्याय गौर जय जय प्रभुपा 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 नित्याय गौर प्रेमानंदे नित्याय गौर प्रेमानंदे नित्याय गौर प्रेमानंदे अभी सभी ने जंप लगा के छत को छूना है खाली लाइट को नहीं छूना हरि बोल हरि बोल जो अच्छा जंप लगाएगा उसी जन्म में धाम में जाएगा जो नहीं लगाएगा वापस आएगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा धन्यवाद अभी आगे का क्या प्रोग्राम है अभी नमस्ते 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 मैं आगे का प्रोग्राम कहता नमस्ते चलो नमस्ते कर लेते हैं नमस्ते नर सिंघाया नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाल गायन हिरण्याकाश पुरभक्ष शिलतंका निकालाए ही तो न सिंगा पर तो न सिंगा यतो यतो यामित तो न सिंगा
बाहे नरसिंगा हृदय नरसिंगा नरसिंगा मणि चरणाम प्रपद तब कर कमल भरे नाका अद्भुत सिंगा लालिता हिरण्य कशिपु तनु बृंगा केशव दीपा नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपा 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 समस्त भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की भक्तराज प्रहलाद महाराज की महाभागवत जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद पद्मचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद पद्मचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य